संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के तस्वीर वाले झूठ का भारत ने करारा जवाब दिया है। यूएन में भारत की प्रतिनिधि पौलमी त्रिपाठी ने कहा कि भारत के खिलाफ फर्जी फोटो दिखाकर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को धोखा दिया है। पाकिस्तान की प्रतिनिधि मलिहा लोधी का बयान वैश्विक आतंकवाद से ध्यान भटकाने की कोशिश है। द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन हिज स्टेटमेंट येट अगेन सॉट टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम पाकिस्तान्स रोल एज द हब ऑफ ग्लोबल टेररिज्म बाय डिस्प्लेइंग दिस पिक्चर टू स्प्रेड फॉल्सहुड्स अबाउट इंडिया अ फेक पिक्चर। यूएनजीए में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मलिहा लोधी ने एक बच्ची की तस्वीर दिखाते हुए इसे कश्मीर का बताया था, जबकि वो तस्वीर फिलिस्तीन की है और उसे अमेरिकी पत्रकार हेडी लेविन ने खींचा था। Unfortunately, I was really saddened to see that Rabia's picture was claimed to be the face of India when actually this is a Palestinian girl who was wounded during the war in between Israel and Gaza in 2014. सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। जनरल रावत ने कहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो एक बार फिर एलओसी के पास आतंकियों के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। जनरल रावत ने कहा कि पिछले सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद पाकिस्तान को सुधरने का संदेश देना था। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि अगर आतंकी हमारी सीमा में आएंगे तो हम उन्हें रिसीव करके 2.5 फीट जमीन में भेजते रहेंगे। हम लोग तैयार हैं। इन्फिल्ट्रेशन जैसे आपको बताया जा चुका है ये जारी रहेगा। सरहद के उस पार जो आतंकवादी हैं वो तैयार बैठे हैं और हम भी उनके लिए इस तरफ तैयार बैठे हैं। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना की शुरुआत की है। सौभाग्य योजना का मतलब प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है। योजना के तहत हर गांव, हर शहर के हर घर तक 31 मार्च 2019 तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत ही आवश्यक योजना की शुरुआत हो रही है। भाइयों और बहनों, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी सौभाग्य। योजना के लिए 16,320 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जिन घरों में बिजली नहीं पहुंचाई जा सकेगी उन्हें 200 से 300 WP पावर का पैक दिया जाएगा, जिसमें 5 LED बल्ब, बैटरी से चलने वाला एक पंखा और एक पावर प्लग शामिल होगा। गरीबों को बिजली का कनेक्शन फ्री दिया जाएगा। सौभाग्य योजना के तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं। पीएम मोदी ने ONGC के नए हेडक्वार्टर दीनदयाल ऊर्जा भवन का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाने की सलाह दी है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए है। पीएम मोदी ने कहा, देश ने बीजेपी को बहुत कुछ दिया है, राज्यों में सरकारें, केंद्र में सरकार, अब हमारी जिम्मेदारी बहुत है। पीएम मोदी ने कहा कि बिना जन भागीदारी के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। योजनाएं तो बहुत बनती हैं, लेकिन जब तक उसे जमीन पर ना उतारा जाए तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव 3 साल होगा या 5 साल में होगा, इसका इंतजार मत कीजिए, जनता के बीच रहिए। पीएम मोदी ने नेताओं को नसीहत दी कि टीवी के माइक देखकर कुछ भी ना बोल दिया करें, अपनी जिम्मेदारी समझें। BHU में हिंसा और आगजनी की जांच के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जुडिशियल इंक्वायरी गठित की है। साथ ही CCTV वीडियो की भी जांच की जा रही है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि जिन बाहरी लोगों ने छात्राओं को हिंसा के लिए भड़काया और महमना की मूर्ति पर काली पोतने की कोशिश की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित और प्रायोजित कार्यक्रम था और बच्चियों को भड़का के जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, हम लोग उनको चिन्हित कर रहे हैं। चिन्हित करने के बाद जिसने महमना भारत रत्न राष्ट्र गौरव महमना के प्रतिमा पे काली पोतने का प्रयास किया है, उसको हम BHU कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। BHU के वाइस चांसलर ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि कैंपस को सियासत का अड्डा ना बनाएं। इन विश्वविद्यालयों को राजनीतिक हितों के लिए प्रयोग ना किया जाए। ये मैन मेकिंग सेंटर्स हैं, इन पर हमारी जनरेशंस का भविष्य निर्भर करता है। हमारे नेताओं की जिम्मेवारी है, वे अपने सुझाव दें। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP अध्यक्ष अमित शाह ने
बीएचयू के मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की और इस विवाद का फौरन समाधान निकालने को कहा। हमने उसकी जांच के आदेश दिए हैं, राजस्थान में कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने एयरसेल मैक्सिस डील केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की 1,16,00,000 रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं। इनमें कार्ति की कंपनी एडवांटेज स्ट्रेटजीज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की 26,00,000 रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल है। इसके अलावा सेविंग अकाउंट के 90,00,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। 2006 में मलेशियाई कंपनी मैक्सिस को एयरसेल में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए FIPB की मंजूरी दी गई थी। तब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। आरोप है कि इस मंजूरी के एवज में कार्ति चिदम्बरम और उनके चचेरे भाई की कंपनी को मैक्सिस से $2,00,000 मिले थे। राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। वकील के जरिए हनीप्रीत ने कोर्ट में हनीप्रीत तनेजा नाम से जमानत याचिका दायर की है। राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद से ही हनीप्रीत फरार है। She was deciding, चीजें डिसाइड करने में टाइम लगता है। She was consulting, वो अपने जो भी लीगल राइट्स हैं उनके लिए वो सोच रही होगी। वो जब फाइनली हमारे पास आई तो हमने जो भी किया ये आज पिटीशन में फाइल किया। इस बीच रेप के मुजरिम गुरमीत राम रहीम ने अपनी सजा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में राम रहीम की ओर से पंचकुला की स्पेशल कोर्ट के फैसले को खारिज करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि CBI कोर्ट ने 25 अगस्त को फैसला सुनाते वक्त सभी तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा। काफ़ी ग्राउंड्स लिए हैं, जो भी फाइंडिंग्स हैं डिफरेंट फाइंडिंग्स ऑफ कोर्ट की वो हमने चैलेंज की है। सबसे पहले तो इसमें हमने डिले का ग्राउंड लिया है कि जो डिले है स्टेटमेंट जो विक्टिम ने दी है उसमें 6.5 साल का डिले है एज पर देयर ओन केस के जो इंसिडेंस था उसके 6.5 साल के बाद इन्होंने स्टेटमेंट दी। राम रहीम रोहतक जेल में सजा काट रहा है। म्यांमार के रखाइन प्रांत में हिंदुओं की एक और सामूहिक कब्र मिली है। स्थानीय अधिकारी के मुताबिक रविवार को मिली पहली कब्र से महज 200 मीटर की दूरी पर यह दूसरी कब्र मिली है। इसमें 17 से ज्यादा शव हैं। पुलिस के मुताबिक रोहिंग्या आतंकियों ने इनकी हत्या की है। सुरक्षा बलों के मुताबिक ये शव 25 अगस्त को 30 पुलिस आउटपोस्ट पर हमले के बाद लापता 100 हिंदुओं में शामिल लोगों के हो सकते हैं। रविवार को मिली पहली कब्र में 28 लोगों के शव मिले थे। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को युद्ध की धमकी दी है। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री रियोग ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान साफ तौर पर जंग का ऐलान है और ऐसे में नॉर्थ कोरिया को अपना बचाव करने का पूरा हक है और इनमें अमेरिकी बमबर्षक विमानों को मार गिराना भी शामिल है, भले ही वो हमारे देश के एयर स्पेस बॉर्डर के करीब ना हो। दरअसल अमेरिका ने 18 सितंबर और 24 सितंबर को नॉर्थ कोरिया के ऊपर से अपने बॉम्बर्स उड़ाए थे। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में पेश होंगे। नवाज शरीफ पर पनामा पेपर लीक मामले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। कोर्ट ने नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम और दामाद रिटायर्ड कैप्टन सफदर को समन भेजकर 26 सितंबर को पेश होने को कहा था। पेश नहीं होने पर कोर्ट नवाज की गिरफ्तारी का आदेश भी दे सकती है।